भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 547 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 30 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों की संख्या 6,412 हो गई है। इनमें से 504 लोग ठीक हो चुके हैं और 5,709 का इलाज चल रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के कुल 199 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात के बड़ोदरा में 20 और लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। इनमें से 20 लोग नागरवाड़ा इलाके के हैं। बड़ोदरा में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या अब 39 है। पूरे गुजरात की बात करें तो संक्रमित लोगों का आंकड़ा 241 पहुँच गया है और 17 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं बिहार सिवान में एक परिवार के 2 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वो ओमन से लौटे एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज के संपर्क में थे। अब राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिपोर्ट कोरोना वायरस पे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बार्श रिपोर्ट को।